Bismillah Rahman ar-Raheem Assalamu Alaikum dear students I am Muhammad Ali I welcome you again to free online classes of Aspire Group of Colleges Today we will read the remaining part of lesson number 9 that is The Foolish Quake Let's start reading Please open your book from lesson number 9 The Foolish Quake द लाइन इज़ अ पी sort of ऑफ you यू मस्ट आप अजीब किस्म के डॉक्टर हैं क्राइड दे वो चिल्लाए बिफोर यू begin योर ट्रीटमेंट इससे पहले कि आप अपना इलाज शुरू करें यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव आप मरीज़ की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं अवे विद यू यहाँ से चले जाइए We shall have nothing to do with you. हमें आपसे कुछ नहीं करवाना है In this sentence, the important word is petty. उर्दू में इससे मतलब होता है मामूली In English, its synonyms are trifling, trivial, unimportant, ordinary. The next, hearing this, ये सुनकर the pretended doctor began to say to himself. बनावटी डॉक्टर ने ख़ुद से कहना शुरू किया वट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग दिस इज़ ये कितनी गैर मामूली बात है माई बेस्ट प्लान श्योरली इज़ टू रिटर्न टू द कैमल मैन मेरा बेहतरीन मनसूबा ऊँट वाले लोगों के पास वापस जाना है श्योरली यकीन सर्टनली एंड टेल देम दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे और उन्हें बताना है कि उन्होंने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया है टू क्योर दिस डिज़ीज़ इस बीमारी का इलाज करने के लिए प्रेव्स दे विल एडवाइस मी शायद वो मुझे मशवरा देंगे इन दिस स्टेटमेंट वन इम्पोर्टेंट वर्ड इज़ एक्स्ट्रो ऑर्डनरी उर्दू में इससे मतलब होता है गैर मामूली इन इंग्लिश इट्स इनम्स आर ओड स्ट्रेंज

उर्दू में इससे मतलब है आगे पहुंचना के तक पहुंचना रसाई हासिल करना इन इंग्लिश इट्स सिनोनिम्स आर रीच अप्रोच कैच अप विथ वट फुलिश मैन यू मस्ट बी आप लोग कितने बेवकूफ़ हैं आई मेट एन ओल्ड विमेन मैं एक बूढ़ी खातून से मिला हु हुफर्ड फ्राम गाइटर जो गिलहड़ में मुबतला थी जस्ट लाइक यूर कैमल आपके ऊँट की तरह एंड आई टाइट अ ब्लैंकेट राउंड हर नेक मैंने उसकी गर्दन के गर्द एक कम्बल बांधा एंड स्टक हर विद द मैलट और हथौड़े से जरब लगाई बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग लाइक योर कैमल लेकिन आपके ऊँट की तरह सेहत याब होने की बजाय शीट डाइट वो मर गई एंड इंस्टेट ऑफ गेटिंग अ फी और मुआवजा हासिल करने की बजाय आई वज़ कम्पेयर टू डिग हर ग्रेव मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया कम्पेयर पहले भी ये लफ्ज़ आ चुका है उर्दू में मतलब है इसे मजबूर करना आई रिपीट दिस पैराग्राफ जब वो उन तक पहुंच चुका तो वो चिल्लाया तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो मैं एक बूढ़ी खातून से मिला जो आपके ऊंट की तरह एक गिल्लड में मुबतला थी मैंने उसकी गर्दन के गेट एक कंबल बांधा और हथौड़े से ज़रब लगाई लेकिन आपके ऊँट की तरह सेहत याब होने की बजाय वो मर गई और मुआवजा हासिल करने की बजाय मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ इट इज़ नॉट वी हु ये हम नहीं हैं जो बेवकूफ़ हैं आंसर्ड कैमल मैन ऊट वाले लोगों ने जवाब दिया बट यू बल्कि तुम हो वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल हम हरगिज़ बेवकूफ नहीं है. These animals are camels. हैं दीज एनिमल्स आर कैमल्स ये जानवर ऊँट हैं ऑप्रोडिजियस साइज बड़ी जिसामत वाले एंड स्ट्रेंथ और ताकत वाले हाउ वज अ फीबल ओल्ड वीमन टू स्टैंड द ब्लो ऑफ अ मैलेट एक बूढ़ी ज़यीफ खातून हथौड़े का वार कैसे बर्दाश्त कर सकती है नो इट इज़ यू नहीं ये तुम हो हु आर स्टूपिड जो बेवकूफ हो इन दिस पैराग्राफ द इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर स्टूपिड उर्दू में इसका मतलब है बेवकूफ एमक इन इंग्लिश इट्स सिनोनिम्स आर फुलिश सिली क्रेजी माइंडलेस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोडीजियस प्रोडीज से मतलब है बड़ा इन इंग्लिश इट्स इनो आर बिग ह्यूज इमेंस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फीबल उर्दू में से मतलब है कमजोर इन इंग्लिश इट्स इनो आर वीक फ्रेल डेलीकेट हेल्पलेस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज ब्लो उर्दू में से मतलब है यहां पर वार इन इंग्लिश इट्स इनो आर हिट स्ट्राइक नॉक पंच नॉ टू नेक्स्ट पैराग्राफ वन ऑफ द मैन नो स्टेप फॉरवर्ड अब उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा टू हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से कहते हुए यू रिमेन क्वाइट आप लोग चुप रहें एंड लीव दिस फेलोर टू मी और इस आदमी को मेरे हवाले कर दें क्वाइट ई ई टी -E उर्दू में इसका मतलब है खामोश और इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स हैं साइलेंट काम जेंटल एंड पीसफुल देन एड्रेसिंग हिमसल टू द न्यू कमर फिर खुद को नए आने वाले से मुखातिब करते हुए ही क्राइट वो चिल्लायायर यू सर जनाब अब मेरी बात सुनिए दिस मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल ये लोग हरगिज मामले को नहीं समझते आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट मैं एक मिनट में ये मामला आपके लिए ठीक कर सकता हूँ सिंग दिस ये कहते हुए ही लिफ्टेड हैवी स्टिक उसने एक बारी भरकम छड़ी उठाई बॉन्ड विद आयरन रिंग्स जिसके ऊपर लोहे के छल्ले लगे थे एंडस्टक का कैमल और ऊंट को मारा विच वॉज फीडिंग ऑफ द लीज ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री जो जंगली आलू बुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा था इस सेंटेंस में एक वर्ड है हैवी। उर्दू में इससे मतलब है भारी भरकम। इन इंग्लिश इट्स इनो आर बल्कि बिग लार्ज वेटी एंड माइटी द स्टोलेट क्रीचर और इस बेहिस जानवर ने स्क्रेसली फिल ब्लो मुश्किल से वार को महसूस करते हुए नियरली मोव द स्टेप आर टू फॉरवर्ड सिर्फ एक या दो कदम आगे बढ़ाए यू ऑब्जर्व तुम देखते हो सेट द मैन आदमी ने कहा द फेट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल इस ऊंट पर इस इलाज का असर हेयर कम्स अ वर्ड स्टोलिट स्टोलिड जिससे मतलब है उर्दू में बेहेस इन इंग्लिश इट्स इन्स आर अन इमोशनल इन डिफरेंट इम द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्केसली स्केसली मुश्किल से बा मुश्किल इन इंग्लिश इट्स इनम्स आर हार्डली बेरली ओनली द नेक्स्ट लाइन इज नो ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स आप देखो इंसान पर इसका असर ही दे स्ट्रक द मैन हिमसल अमिलर ब्लो फिर उसने उस आदमी को वैसे ही वार के साथ मारा विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग जिसने लकड़ी के तने की मानेद उसे ज़मीन पर गिरा दिया वैन कॉन्शियसनेस रिटर्न जब उसका होश वापिस आया दिस वील्डेड विक्ट इनक्वा तो इस हैरज अदा शिकार ने पूछा बी विल्डेड हैरजदा वाई सर दिस क्रूअल यूजेज सर ये ज़ालमाना स्लूक क्यों इन लाइन्स में ये मुश्किल वर्ड है फेल उर्दू में इससे मतलब है गिरा देना इन इंग्लिश इट्स इनो निम्स आर नॉक डॉन स्ट्राइक डॉन द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्शियसनेस इससे मतलब है होश इन इंग्लिश इट्स इनो निम्स आर अवेयरनेस सेंस एंड वेकफुलनेस नेक्स्ट वर्ड इज बी विल्डेड इससे मतलब हैरान या याद इन इंग्लिश इट्स सिनोनिम्स आर कंफ्यूज वेस्ट द नेक्स्ट वर्ड इज इंक्वायर इंक्वायर पूछना इन इंग्लिश इट्स सिनोनिम्स आर आस्क इनगेट क्विज नेक्स्ट वर्ड इज क्रूअल उर्दू में इससे मतलब है, मतलब है जालमाना इन इंग्लिश इट्स इनोनिम्स आर सेवेज ब्रूटल मर्सिल्तेमाल इन इंग्लिश इट्स इनोनिम्स आर यूज ट्रीटमेंट बिहेवियर हैंडलिंग नेक्स्ट लाइन्स डू यू नॉट परसीव क्या तुम समझते नहीं हो आंसर द कैमल मैन ऊंट वाले आदमी ने जवाब दिया आई विश टू शो यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दैट वट इज़ गुड फॉर कैमल्स के जो चीज़ ऊँटों के लिए अच्छी है इज़ नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वीमेन वो बेचारे बूढ़े मर्द और ख़वान के लिए अच्छी नहीं है हेयर कम्स द वर्ड परसीव इट मीन्स उर्दू में इससे मतलब है समझना इन इंग्लिश इट्समर वर्ड्स आर

Students, now we will solve the exercise of this lesson. Please open the page from your exercise. The first question is to choose the correct answer. The first line is Where did the traveler stay? Its correct option is under a clump of trees. Number two Why did the camel fall ill? Its correct option is when a melon stuck. In its throat, option C. Number 3, what did the quake claim to cure? Its correct option is goiter. B. Number 4, what had happened to the throat of an old woman? Its correct option is swollen, that is B. Number 5, what punishment did the villagers propose on the death of the old women? Its correct option is C, that is to dig her grave. Number 6, how was the quake treated when he had dug the grave? Its correct option is beaten well, that is C. Number 7, what was the effect of punishment on the quake? Its correct option is uninfluenced, that is option A. What was the condition the quake suggested before treating an old man? Its correct option is not to be compelled to dig the grave, that is B. Number 9. Why did the quake return to the camel man instead of continuing his profession? Its correct option is to blame them, that is option C. Number 10. Who was proved stupid? Its correct option is the quake, option C. Now, the second question in exercise that is, mark the sentences true or false. The first sentence with the blow of mallet, the melon broke in the throat of the camel. True. The camel swallowed the broken melon and felt all right. Wrong. The quake cured the old women. Wrong. The quake was compelled to dig the grave. True. The villagers of next village refused to get the old man treated. True. The quake returned to the camel men to tell them they had shown the right way to cure the disease. False: The camel can bear the blow of a mallet, but not the old man. True, there was little effect of the blow of a whip on the camel. True. The next is question number three. That are the short question from this lesson. I will tell you the answers of these short questions. Let us start. The first question is: what is a clump of trees? Students keep in mind while writing answers of short question. You have to write the answer which is relevant to the point. Okay, an answer must be two to three sentences at least, and the tense must be as as the tense of the question is. The first question is, what is a clump of trees, and its answer you can see on screen. A clump of trees is a group of trees that is a number of trees growing together. The camel man had stayed under a clump of trees to take rest. Number two, question is what was stuck in the camel's throat? Its answer is a melon got stuck in the camel's throat. It was eating melons in a melon field. It was said to graze there question number three, where did the quake pretend to cure? its answer is, the quake pretended to be a doctor who could cure gaiter. gaiter is a disease in which throat swells to a frightful size. number four, where did the quake do with the old women? and its answer is, the quake tied a blanket round her neck and stuck the swollen part with a mallet the old woman could not stand the blow of mallet question number five what was the result of the cure its answer is when quake struck the throat of old woman with the mallet she could not stand the blow of mallet and died instantly question number six that is what was the punishment inflicted upon the quake by the villagers and its answer is the villagers compelled the quake to dig the grave of old women when he had dug the grave. They bet him well and let him go. Number 7. Question is, for whom did the quake dig the grave? And its answer is, the quake dug the grave for the victim of his treatment. It was an old woman who had presented himself for the cure. Of her geiter. Number 8, what did the quake do in the next village? And its answer is, in the next village, the quake again pretended himself a doctor who could cure geiter. Here, an old man offered himself for treatment. Question number 9, that is, why did not the villagers let the old man get cured? And its answer is, before starting his treatment, the quake talked about the grave of old man. This made the villager distrustful of him and they did not let him treat the old man. Last question, that is number 10. Question is, why did the quake come back to the camel men? And its answer is, the quake came back by the camel men to blame them